हाय गाइस, आजकल लोग मैं करने वाला हूँ। और अभी हम लोग अभी उठे हैं, सो के फ्रेश वेश हुए हैं, चाय पी हम लोग ने, और हम लोग अब निकल रहे हैं होटल से। हम लोग आज घूमने जा रहे हैं कंडोलम बीच, क्योंकि आज हम लोग का आखिरी दिन है घूमने का। कल सुबह हम लोग वापस जा रहे हैं। ये तो देखिए कौन आया है, कौन आया है, कौन है ये? फोकस नहीं हो रहा है यार। नहीं, मुझसे फोकस नहीं, कुछ भी मैं नहीं। फोकस नहीं हो रही थी ना। हेलो एवरीवन, ये तो चिल्लाने लगी आंखें। मैं चिल्लाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हेलो एवरीवन, हेलो, मैंने कर दिया है, कर दिया है मैंने। तो मेरा भी बनता है ना। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं कंडोलिम। कंडोलिम तो अभी हम लोग जा रहे हैं कंडोलिम बीच। और ये जो बीच था ये छूटा हुआ था, हम कभी नहीं गए थे यहाँ पे। तो बनता था हम लोग का एक बार जाना। हम लोग और वहां पे सोच रहे थे लवर्स पॉइंट। इतनी जल्दी रखने दुखने लगा। हाँ, दुखने लगा अभी से। हाँ, हम लोग को लवर्स पॉइंट भी जाना था, बट पता नहीं वहां जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो देखते हैं। पहले हम लोग वहां तो पहुंचे, और उसके बाद पहले सबसे पहले कहीं पहुंचने से पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। पहले पेट पूजा फिर। हाँ, ये भी अच्छा डायलॉग है। पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, क्योंकि खाना नहीं खाया हम लोगों ने, चाय पिया और ब्रेकफास्ट मिस किया, बहुत आराम से मिस किया। हम लोगों ने कल ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जो ब्रेकफास्ट है उसे मिस करेंगे, क्योंकि हम लोग पता है आपको 4 बजे गए थे बागा बीच, और फिर एमडी भी गए, भूख लगी थी तो एमडी भी से कुछ कुछ लेके आए, और फिर बागा बीच गए, वहाँ का माहौल देखा, बहुत ही फनी माहौल था। पर है ना, वहाँ सॉरी टीटोस के पास का बहुत ही फनी माहौल था। फनी इन द सेंस क्या बोलूँ मैं आपको, और एमडी से मैंने तो ये खाया था, मैंने आलू आलू टिक्की, आलू टिक्की। तो चलिए चलते, इन्हें कहा था आज ब्लॉग करेंगे, और इतनी देर में इनका हाथ दर्द हो गया है भाई। इतनी जल्दी शुरुआत में हाथ दर्द हो गया देखा, मेरे 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 हाथों में पावर है। सो गाइस, ये जो जंप सूट है ये मैंने अरपोरा से लिया है, और ये भी इनने जो टी शर्ट है अरपोरा से लिया। अरपोरा ही है ना, मैं कल मापुसा मापुसा करी थी, वो मापसा है एक्चुअली। मैं आई थिंक ये यू है उसमें, तो बस इसलिए उछा उछा कर रही थी मापुसा मापुसा। तो ये अरपोरा से लिया। कल जो सैंडल मैंने आपको दिखाई थी वो मापसा से ली है, जो आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट वाली, जिसमें मोती लगे थे, पर्ल्स लगे हुए थे। और ये जंप सूट है अरपोरा का। हम लोग आए हैं शेर पंजाब खाने, तो चले चलते हैं कुछ खाने, भूख लग रही है। हाँ, शेर पंजाब ये कहाँ है, कहाँ? ये यहीं पे है, कलंगुट में है शेर पंजाब। कंडोलम बीच, और हम लोगों ने वहाँ पे खा लिए थे पराठे, क्योंकि खाना खाने का मूड नहीं था, क्योंकि अभी हमारा लेट ही हुआ है, बट हुआ ब्रेकफास्ट ही है, और पराठा प्रेम कुछ ज़्यादा है। मुन्ना टाइगर तुम देखे भी नहीं है? मुन्ना टाइगर के लिए हमें जाना पड़ेगा खाना घिसली। वो सिंह मार रही थी, सिंह मार रही थी तुम्हें? गुस्सा है तुमसे।
आ गए, बस पहुंच गए। मैं सोचा नहीं कर रास्ता जी, नहीं कोई बीच नहीं। आपको पता है हम लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ है, हम पास ही में थे और हमने बीच कभी नहीं देखा, और ये हमारी थर्ड ट्रिप थी और हम बिना देखे जा रहे थे, वो तो आज टाइम हमने देख गया। पानी कितना पास है? हाँ कौन नहाने आया अभी? देखो उठो उठो उठो, यो उठ जाओ विश्वानी, इनको जान दो पहले। अरे उनको जान दो ना, वो यहाँ पे आ सकती है ना किसी के। इन्हें डर लग रहा है कि ये मुझे भेड़ ना दे। कॉर्नर्स पे लोग बैठे हुए हैं, आई थिंक जो टाइट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही लिखता मुझे, शायद आ रही हो। मैं पूरी भीग चुकी हूँ, मैं सूखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पॉकेट्स तक में ना रेत है, जो वो है रेत है, रेत घुस गई यहाँ पे। देखे यहाँ पे ये देख, गोवा की रेत, हलवा लग रहा है, सूजी का हलवा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पॉकेट के अंदर सूजी का हलवा है। एमडी का बिल भी है, देखिए निकालने में लगी, एमडी का बिल भी निकला। हलवे हलवे के साथ एमडी का, किसी को हलवा खाना है, इंस्टेंट रेडी हलवा। Save me, why do I, baby?
आ गए थे, उसके बाद एक शार लिया है और मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ इस लाइट में, अजीब सा लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, थोड़ा बहुत देखने हैं, मेरे को एक बैंडेड वगैरह मतलब थोड़ा सा सामान लेना, आपको पता है क्या हुआ है, फेक नील्स लगवाने बहुत आसान है, एक्सटेंशंस लगवाने बहुत आसान है, बहुत पेनफुल चीज़ होती है, मैं ये कभी अपनी लाइफ में नहीं करूँगी, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कभी नहीं करूँगी। और मैं शायद उन लोगों को ही बोलूँगी कि नेल एक्सटेंशन बहुत अच्छे नहीं होते जब वो अपनी एंडिंग पे पहुँच जाते हैं ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा एक जो नेल था फेक नेल के कारण, जो ओरिजिनल नेल है वो यहाँ से थोड़ा सा अलग हो गया है, और ये वाला जो फेक नेल है ये आधा अलग हुआ पड़ा है और आधा चिपका हुआ है। तो मैं इसे निकालने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, और इसको निकलवाने के लिए मुझे जबलपुर जाना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा वहाँ पे किसी को कि वो मेरे जो नेल्स है वो निकाल दें। बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया, मेरे को इसे बैंडेड लगानी पड़ रही है क्योंकि जब भी मैं कोम कर रही हूँ ना तो ये फंस रहा है कहीं कहीं पे जाके, क्योंकि ये यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही दिक्कत वाला काम है। मैं कभी अपनी लाइफ टाइम कभी भी ये काम दोबारा नहीं करूँगी, मतलब ये फेक नेल या नेल्स पे कुछ भी कराना, मैं वो कुछ नहीं कराना, मैं पहले खुद से कर लेती थी, बहुत अच्छी चीज़ है अपने ओरिजिनल नेल पे, अब मेरे को सच में कुछ नहीं कराना है। मेरी बताएं सकते हैं, मेरे को काफ़ी दर्द हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने का सामान लेने और कुछ बैंडेड लेने, हाँ थोड़ा बहुत और चीज़ें देखने। तो हम कुछ एक स्टोर जा रहे हैं जहाँ पर पूरा सामान मिलता है घर का, वो लेने जा रहे हैं घर का सामान, वाह, और ऐसे कुछ कुछ। तो चलिए चलते हैं। सामान लेके आई हूँ मैं, तो खाना जो है वो पैक करा लिया है और खाना पैक करा के ले आए हैं, और ये कुछ सामान हैं जो हम लोग लेके आए हैं। और आपको पता है जो सामान है ना ये पूरा ट्रेन के लिए है, खाने पीने के लिए हमेशा रखना चाहिए। तो बहुत सारे नमकीन के पैकेट लेके आए हैं, ये समोसा लेके आए हैं, ये मैं लेके आई हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। और फिर ये केक लेके आए हैं क्योंकि कुछ नहीं पता क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है वहाँ पे, ये लेके आए हैं, मतलब पूरा हाइड एंड सीक। फिर एक और मैं ये लेके आई हूँ, और फिर ये दो पोलो, पता नहीं मेरे सफ़र में ऐसा लगता है कि मुझे वॉमिटिंग अजीब सा मेरे को फीलिंग अच्छी नहीं आती। फिर ये लेके आए हैं मैंने एसीटोन, हम लोग वहाँ पे गए थे और पता है आपको मैंने ढूंढा नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन कुछ भी मिल जाए मुझे, बट कुछ भी नहीं मिला, पैड्स थे वो वाले जो नेल पेंट रिमूव करने वाले रहते, तो उससे कुछ भी नहीं होता। तो मैं फिर बैंडेड लेके आई हूँ कि ये जो है मेरे बालों में फंसे नहीं, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है इसके कारण। तो ये सब सामान लेके आए, खाना था पैक करा के ले आए। आज हम लोग ना बीच पे गए ना कहीं गए, क्योंकि पता है आपको अब वो पॉइंट आ चुका है जब हम लोग पक गए हैं यहाँ पे गोवा में, अब वो टाइम आ गया है। सीरियसली कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, ना बीच पे ना कहीं, बीच देख देख के, सब देख देख के, पता है अब बोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। क्योंकि एक वेकेशन, जैसे कि मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी कहा था, एक वेकेशन एक टाइम तक ही अच्छी लगती है, और क्योंकि वेकेशन इतनी इंक्रीज हो गई है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और पक गए हम लोग, पक गए ना। आज आज नहीं बोला कि यार कहीं जाने का मन नहीं है, रूम में चलो। तो फिर मैंने बोला कि हाँ यार मेरा भी मन कहीं नहीं कर रहा कि जाके बागा बीच या थोड़ा बहुत इधर उधर देखा जाए, टीटोस जाया जाए, वरना जा सकते थे, पर कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब सिर्फ एक जगह जाने का मन कर रहा है, वो है घर, लिटरली घर, क्योंकि घर घर होता है। अब मैं आपको बताऊँ मेरा मन क्या कर रहा है, मैं घर जाऊँ, घर संभालूँ, कपड़े धोऊँ, कपड़े धोऊँ, और उसके बाद फिर खाना वाना बनाऊँ, अपने मन का खाऊँ, मेरे को जो खाना हो मैं बना के खाऊँ, मतलब खाने पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है मेरा, पर मतलब घर वाला चाहिए कि अपने मन से मैं आराम से लेट जाऊँ। क्या होता है आप ट्रिप पे रहते हो ना, तो आपका एक भी दिन वेस्ट ना हो, तो आप हर दिन सुबह से निकलोगे शाम को आओगे, फिर यहाँ पर शाम को भी निकलना पड़ता है क्योंकि नाइट लाइफ भी अच्छी है, फिर रात भर में 2-3 बजे आ रहे हो, फिर सुबह उठना है, फिर जाना है,
तो एक तरह से ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है। अब मैं घर जाके पूरे दिन वो भी नहीं मिलेगा मुझे पता है, क्योंकि घर जो है पहले सफाई वफाई और जो कपड़े इन्हें धोने डालना मेरे को पता है वो सब भी नहीं मिलेगा। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि सीरियसली बहुत ज़्यादा थकान हो गई, परेशान हो गए अब हम लोग। क्योंकि जब हम लोग घर पर रुके थे अपने, तो घर की जो ट्रिप थी वो तो घर पर मतलब घर ही होता है, घर घर होता है, चाहे मम्मी का घर हो अपना घर हो कुछ भी हो, घर घर होता है। पर होटल का रूम होता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो आप। जैसे कभी आपको चाय भी पीनी है, सभी मेरे को चाय पीनी है तो मेरे को सोचना पड़ेगा, चाय मंगाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, घर में तो बनाई पी ली, कुछ खाना है तो बता नहीं सकती, बहुत सारी चीज़ें। तो बस अब हम लोग जाएंगे, पैकिंग करते हैं जल्दी से, क्योंकि सुबह ना हो पाएगा कुछ भी। सुबह हम लोग को बहुत जल्दी निकलना है, हमें निकलना है 8 बजे सुबह यहाँ से, तो इसलिए जल्दी जल्दी हमें सब कुछ जो भी है करके सोना पड़ेगा। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं और सब कुछ पैक हो गया है, बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग है उसमें आपको घर में मिलूंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद घर के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।